दोस्तों डोसा आपने कभी ना कभी जरूर खाया होगा, सादा मसाले डोसा। लेकिन यहाँ पर बनाए जाते हैं वेजिटेबल डोसा, पनीर, मैंगो, जिनी रोल, राजा रानी, स्वीट स्प्रिंग रोल, सिजवान डोसा, चाइनीज और भी 25 तरीके के यहाँ पर डोसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज हम आ गए हैं HG फैंसी डोसा हब सूरत में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डोसे की काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है और तकरीबन 20-25 टाइप के डोसे बनाए जाते हैं। तो आज हम इसको ट्राई करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि इस यहाँ का डोसा है कैसा, और इसको रिकमेंड करने जैसा होगा तो हम आपको ज़रूर करेंगे। किसी भी तरीके का गैस या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बिल्कुल पुरानी प्रथा के मुताबिक कोलसे के ऊपर ही यहाँ पर डोसा बनाया जाता है। तो ये रहे उसके सिगड़े, अब हम देखेंगे कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे सारी सब्जियों को काट लिया जा रहा है, सर झीना झीना करके काटा जाएगा इसे। ये हमारा डोसा इसके ऊपर लगना तैयार हो गया है और ये चूल्हे पर ही आप देख सकते हैं। ये क्या है भैया इसके ऊपर? अच्छा ये बटर आपने डाला है। ये क्या है इसके ऊपर? गाजर, बीट, पत्ता गोभी। अच्छा इसके ऊपर से ये क्या डाला जा रहा है? अच्छा ये पनीर है, अमूल पनीर। और ये इसके ऊपर मिर्च, शिमला मिर्च, और ये प्याज, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, और ये रेड चिल्ली आ गई है। अच्छा अब ये मिक्स होगा। ओके अच्छे तरीके से पूरे ऊपर लगाया जाएगा डोसे पर। चम्मच से काट दिया जाता है इसको, पलटे से। फिर से आएगी इसके ऊपर चीज, क्या बात है, फुल लोडेड है यहाँ पर। हमारा जो डोसा जो है वो चीज से पूरा भरपूर है, हेल्दी पूरा है, डाइट वालों के लिए थोड़ा सी ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन खाने में बहुत मजा आने वाला है। चम्मच से इसे लपेट कर ऐसे रखा जाता है। तैयार होकर सजावट के साथ आ चुका है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर ये डोसा है, आपने इसकी मेकिंग पूरी देखी। इसके ऊपर से गार्निश के अंदर चीज़ डाली गई है, कुछ काजू भी हैं, और सबसे बेहतरीन आप टमाटर का गुलाब बनाया गया है। आप सब देख सकते हैं ये, इसको काट कर इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और उसके ऊपर इसको गार्निश करने के लिए रखा गया है। मतलब देखने की खूबसूरती सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर सांभर आप देख सकते हैं, अच्छी खासी थिकनेस है इसके अंदर। और ये रही खोपरे की चटनी, और उसके बाद ये हमारा इसके साथ प्याज टमाटर का सलाद है। मतलब काफ़ी लोडेड है और चीज़ काफ़ी ज़्यादा भर के डाली गई है इसके अंदर। जिससे कैलोरी की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सी कभी कभी तो खा सकता है, लेकिन अगर जिसको कैलोरी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप रोज खाओ हेल्दी। चलो हम इसे टेस्ट करके बताते हैं। दोस्तों डोसे का टेस्ट एक नंबर है, सबसे बेहतरीन बनाया गया है। और यहाँ का ये स्पेशल है, चीज़, बटर और सारी सब्जियाँ, ढेर सारी सब्जियाँ इसमें डाली गई हैं और सबका टेस्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ डाला गया है, टेस्ट इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं सारा खा जाऊँ। तो एक और हम खा के आपको टेस्ट बताते हैं कि वाकई में ये इसका। आपकी दूसरी साइड से लेते हैं काजू और टूटी फूटी डालकर। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर चीज़ फुल लोडेड है, ढेर सारी सब्जियां डाली हुई हैं, बटर है। रेस्टोरेंट पूरी तरीके से हाइजेनिक है, डेकोरेशन, बर्थडे एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन की बढ़िया व्यवस्था की गई है। तो बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, तो आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।